भिंड जिले के नयागांव थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस करने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद में जमकर लात घूंसे चले, फिर हवाई फायर की भी घटना हुई। इस पूरे मामले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना नयागांव थाना क्षेत्र के सरसई गाँव की है, जहाँ एक राजवत परिवार की बेटी की शादी में विवाद हो गया। दरअसल शादी समारोह के दौरान जब मैरिज गार्डन में लगे डीजे पर लोग नाच रहे थे, इसी दौरान एक गाने को लेकर डांस कर रहे युवकों के बीच विवाद हो गया। क्योंकि युवकों में पूर्व से भी विवाद चला आ रहा था, ऐसे में दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए और विवाद मारपीट में बदल गया। जमकर लात घूंसे भी चले और बाद में हवाई फायरिंग भी हुई। घायल युवक के मुताबिक आरोपियों ने उसके चाचा को धारदार हथियार से घायल कर दिया। उसका कहना था कि वे कई लोग थे और हम सिर्फ दो तीन लोग, इस वजह से वे हम पर हावी हो गए। मामले में पुलिस से शिकायत तो की है, लेकिन अब तक कार्रवाई का पता नहीं चला है। वहीं पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के चार लोगों पर मामला दर्ज कर क्रॉस केस कर दिया है। बता क्या मामला, क्या हुआ, कैसे चोट लगी? बारात 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 लड़ रही थी आपस में, तो ये लोग आए उस तरफ से। काय की लड़ रही थी, क्या विवाद था? ये डांस कर रहे थे आपस में, लड़ गए ये लोग। हाँ फिर तो ये लोग फिर बोला के टंकी तन के लोग आए, जो बंदूक बंदूक लेके और गाली वाली देने लगे आए के, और गाली वाली देने लगी, सो ऐसे ही होने लगी आपस में। फिर इन लोगों ने मारे, ईंटें मारी, और जो फल से आता हाथ में वह हमारे चाचा के दाव, सो इनके मुँह फट गाओ, हाथ टाके आए हैं इनके नौ। तो रिपोर्ट वगैरह लिखी गई अभी तक? रिपोर्ट लिखी गई थी और यहाँ कर गए, छोड़ गए, फिर कुछ सुनवाई भाई नहीं तब से यहीं। तो लोग पकड़ा पुलिस ने, क्या नहीं पकड़ा? साहब भाग गए साहब, वो कोई पकड़ा नहीं गया कोई भी। तो क्या स्थिति है आपकी, मतलब क्या लग रहा है? कार्रवाई नहीं हो रही है, बंदूक पे दो फायर कर रहे थे घर पे आए के। और क्या काय की लड़ाई थी आपका, क्या मामला था? जे पुरानी दुश्मनी निभाए गए, और गोरे इनके सारे परिवार इकट्ठा हुआ था, और हम होते दो तीन चार जने, तो इन्हें मिल के मारे बस शादी के बहाने से। हाँ शादी के बहाने से।